काली उड़द की दाल और वो भी छिलके वाली। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल स्वाद देसी तड़का पर। और इस बार लेके आ गए एक नई रेसिपी। सर्दियों का मौसम चालू हो चुका है और सबसे ज्यादा खाई जाने वाली दाल जो कि काली उड़द की छिलके वाली, जिसमें लगाएंगे देसी घी का तड़का और मक्खन से लेके आएंगे इसका जायका। मेरा दावा है आपको ये दाल बहुत ही पसंद आने वाली है, बहुत ही स्वादिष्ट दाल बनती है ये। तो काली उड़द दाल की रेसिपी को चेक करने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके अपने चैनल स्वाद देसी तड़का को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। काली उड़द की दाल छिलके वाली बनाने के लिए हमने यहाँ पे ले लिया काली उड़द की दाल जो कि लगभग 150 से 200 ग्राम है, इसको हमने ले लिया है। अब इसे हम 1 या 2 कप पानी डालकर अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। वॉश करने से दाल में जितनी भी डस्ट जमी हुई है एक तो वो क्लियर हो जाएगी, साथ ही में दाल थोड़ी सी नरम हो जाती है जिससे गलाने में इसे काफ़ी आसानी होती है। और ये देखिए वॉश होने के बाद कितना ही चमकदार दाना निकल आया है, देख सकते हैं आप। अब दाल को गलाने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक प्रेशर कुकर लेंगे और प्रेशर कुकर में दाल को पोर कर लेंगे। और इसके बाद हम इसमें लगभग 2 से 3 कप पानी डाल देंगे। अब साथ ही में इसमें जायका देने के लिए हम इसमें यूज़ करेंगे अदरक के जुबिलिंस, या आप लंबे लंबे अदरक काट के डाल सकते हैं, लगभग 1.5 इंच या 2 इंच का टुकड़ा। और साथ ही में 3 से 4 हरी मिर्ची, या आप बीच में ही डाल दें। साथ ही में इसे गलाने के लिए हमने यहाँ पर 1/2 टीस्पून सॉल्ट का भी इस्तेमाल किया है। अब उसके बाद इसकी ग्रेवी बनाने के लिए हमने यहाँ पर ले लिया है लगभग 1 मीडियम साइज़ का प्याज, 2 से 3 मीडियम साइज़ के टमाटर जो कि हमने अच्छी तरह से चॉप कर लिए हैं, और लगभग 7 से 8 यहाँ पर लहसुन की छोटे छोटे हमने पीसेस ले लिए हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर लगभग 2 से 3 सीटी लगवा ली हैं। आप बीच में चेक करते रहें कि दाल ज़्यादा नहीं गलनी चाहिए। दाल तैयार करने के लिए 1 बड़ा चम्मच देसी घी का लें। देसी घी से का तड़का लगाने से इसका स्वाद ही इन्हांस हो जाता है। साथ ही में इसमें मस्टर्ड ऑयल का भी यूज़ करें, यह हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। अब हम इसमें लगभग 1/4 टीस्पून हम यहाँ पर हींग का इस्तेमाल करेंगे, और साथ ही में हम इसमें डालेंगे चॉप किए हुए हमारे लहसुन। अब जब तक ये लहसुन और हींग अच्छी तरह से तड़क जाते हैं, इसी बीच में हम इसमें 1 मीडियम साइज़ का प्याज जो कि हमने चॉप करके रखा था उसे भी मिला देंगे, और चम्मच की सहायता से अच्छी तरीके से हम इस मसाले को फ्राई कर लेंगे। देखिए मसाला हमारा फ्राई हो चुका है। अब इसके बाद हमने इसमें चॉप किए हुए टमाटर भी ऐड कर दिए हैं, और अब हम इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चम्मच आप बीच बीच में चलाते रहिए जिससे आपका जो मसाला है वो नीचे चिपके ना। और ये देखिए मसाला हमारा लगभग तैयार होने पे आ गया। अब इसमें हम डालेंगे सूखे मसाले। 1/2 टीस्पून हमने यहाँ पर रेड चिल्ली का इस्तेमाल किया है, 1/2 टीस्पून हमने यहाँ पर सूखा धनिया का पाउडर लिया है, और 1/2 टीस्पून ही हम यहाँ पर कश्मीरी रेड मिर्च का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। कश्मीरी रेड मिर्च ऑप्शनल है, आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे नहीं भी कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए ये कितना बढ़िया इसका कलर निकल गया है क्योंकि हमने इसमें कश्मीरी मिर्च का भी इस्तेमाल किया है। और अब हम इसमें अपनी बॉईल की हुई जो दाल है उसे डाल देंगे। याद रखिए अदरक और लहसुन की क्वांटिटी पे आपको फोकस करना है क्योंकि हमने ऑलरेडी अदरक का इस्तेमाल हमने बॉईल दाल को बॉईल करते टाइम भी किया था, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। उसके बाद ये दाल देखिए, अब इस दाल को हम लगभग 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे और उसके बाद उसमें पानी ऐड करेंगे। दाल को कितना थिक या पतला रखना है इसके लिए आप अपने अनुसार इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। हमने यहाँ पर लगभग 2 से 3 कप पानी ऐड किया है, और इस दाल को अब इसमें हम कम से कम 2 या 3 बॉयल आने तक पकाएंगे। उसके बाद दाल लगभग यहाँ हमारी पक चुकी है। अब इसमें ऐड करेंगे कोरिएंडर लीव्स या धनिए की पत्ती जिससे इसका जायका दाल के अंदर तक चला जाए, या आप बीच में ही डाल दें, इससे इसके स्वाद बहुत ही बढ़ जाता है। और आप लगाएंगे इसमें जायका जो कि हमारे बटर का जायका। बटर इस समय पर आपको इसमें इंक्लूड करना है, इससे दाल की चिकनाहट और मखमलीपन निकल के आएगा। तो जब दाल बॉयल हो रही हो याद रखिए उसी समय आपको इसके अंदर बटर के क्यूब्स ऐड करने हैं। ये लगभग हमने 4 से 5 क्यूब इसमें ऐड कर लिए हैं। तो दाल हमारी तैयार हो चुकी है, अब इसकी हम प्लेटिंग कर लेते हैं।
और पूरे किचन में इसका एक एरोमा सा फैल चुका है, क्योंकि हमने इसमें बटर और देसी घी का तड़का लगाया, तो दोनों का स्वाद इसको और ही, इसके टेस्ट को और ही इनहांस करेगा। और प्लेटिंग हो चुकी है हमारी तैयार। तो देखा आपने कितनी आसानी से एक जायके से भरी काली उड़द की छिलके वाली दाल हमने तैयार कर ली है। सर्दियों के सीज़न में खूब खाइए, छोटों को खिलाइए, बड़ों को खिलाइए, और इसका आनंद जीरा वाले राइस के साथ लीजिए, उसका मज़ा ही कुछ और है। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल स्वाद देसी तड़का, जो कि आपका अपना चैनल है, उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। पहले की दी गई वीडियो पर इतने सारे प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक बटन पर भी क्लिक करें, और अगर अभी आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। मिलेंगे अपनी एक नई धमाकेदार रेसिपी के साथ आपके अपने चैनल स्वाद देसी तड़का पर। अभी के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर।